नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में दो सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी है। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं। अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है। भगवान को हमारी चिंता हमसे ज्यादा रहती है। कभी आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, आप आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारे, सच मानिए, थोड़ी देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।